हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, ट्रेन को हाथ से रोकने वाले वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन में चल रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कैनवास एप्लीकेशन प्लस एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ग्रीन स्क्रीन में एक वीडियो कुछ इस टाइप के एक शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, जो आपने ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो वीडियो आप देख सकते हैं हमारा रॉन्ग साइड शूट किया गया, तो सबसे पहले वीडियो को हमें रोटेट करना होगा। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वीडियो को रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है और आपको वीडियो को एक बार प्ले कर कर देख लेना है। वीडियो देख सकते हैं हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर प्रेस करेंगे, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद हमें मीडिया पर आता है, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है कि ट्रेन को मैं रोक रहा हूँ, तो हमें यहीं तक का सीन चाहिए। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आपका रिमूव हो जाएगा। तो वीडियो का आपको स्टार्टिंग का पार्ट को कट कर देना है, क्योंकि हमें वीडियो यहाँ पे 12.3 सेकेंड का ही चाहिए। तो सिंपल मैं स्टार्टिंग का पार्ट कुछ कट ट्रिम टू लेफ्ट कर देता हूँ। वीडियो पर प्रेस करेंगे, इसे लास्ट तक लेकर आ जाना है। लास्ट वाली वीडियो को हम डिलीट करते हैं, तो अब देख वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे अभी को इस तरह से आपको जूम कर लेना है और साइड में आपको एडजस्ट कर देना है। सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें क्रॉप करना होगा। तो क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसे इनेबल करेंगे और इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इस साइड से आपको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद डन करना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की को क्लिक करेंगे, इसे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपने कपड़े लगा रखे हैं उस कपड़े को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज किया हूँ, तो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद शो मास्क पे आना है और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये आपको बैकग्राउंड का है, तो इसे आपको ब्लैक कर देना है। देख सकते हैं आप प्रॉपर यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। और ये जो आप देख सकते हैं फेस है, तो इसे फेस को आपको वाइट कर देना है। तो मैं इस तरह से फेस को वाइट कर देता हूँ। इसके बाद शो मास्क पर क्लिक करते हैं और आपको यहाँ से चेक कर लेना है प्रॉपर आपको रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से आपको प्रॉपर आपको रिमूव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रोमा की बिल्कुल रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें डन करना है, तब हमारा वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ट्रेन आया, यहाँ पे आपको हाथ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहीं तक आपको सीन चाहिए। तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसको आपको सही से एडजस्ट कर लेना है, जूम इन जूम आउट कर कर, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सही तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। आपको साइड में करना है एडजस्ट, क्योंकि लगना नहीं चाहिए कि वीडियो हमारा कट हो रहा है, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो आपको सही से एडजस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको साइड में एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद डन करना है। तो इसके बाद यहीं तक हमें ट्रेन का सीन, जब हम ट्रेन को रोकते हैं तो यहीं तक का सीन चाहिए हमें। तो वीडियो पर क्लिक करेंगे और डिलीट के ऊपर एक आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद वीडियो पर क्लिक हमारा है ही है, वीडियो पर फिर से क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर जा था, मैंने रिमूव कर दिया हूँ। मीडिया पे आएंगे, जो हमने कैप्चर किए थे इमेज को, उस इमेज को हमें को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं इमेज हमारा छोटा बड़ा हो रहा है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, इसे हमें कुछ इस तरह से छोटा कर कर इक्वल कर देना है। छोटा हो गया, इसके बाद इसमें इस पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं इमेज हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा। तो वीडियो हमारा कुछ जैसे प्लेट कर, अब वीडियो को हम एक बार प्ले करते हैं। जैसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, जैसे हम रोकेंगे तो ये रुक जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो पार्ट है सेकेंड पार्ट का, 1 से 2 सेकेंड का चाहिए। कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। वीडियो हमारा पूरी तरह से तैयार यहाँ पे हो गया हुआ है। इसके बाद
ट्रेन का साउंड, ट्रेन का साउंड को पहले हम म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद लेयर पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक साउंड लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है, इस ट्रैक आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। और यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो पूरी तरह से तैयार हो गया है। इस वीडियो पे आपको एक दिन में 15 से 20 मिलियन तक व्यूज आ चुका है। यदि इस टाइप के वीडियो आप बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक चेंज व्यूज आ सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।